Hey fam, welcome back to the 10 Star. So we are back again with another video and MC Stan went to Kapil Sharma show. Bhai, MC Stan ka jadoo is time aisa ki har jagah MC Stan aapko dekhne mil jayega and Kapil Sharma is also one of our favorite. So two hamare favorites together, to maza aane wala hai and ye pure episode ka ek chota sa snippet type hai, to maza aayega. Let's begin aur dekhte hain video kaisi hai. Welcome. Yeah, superb. Alhamdulillah bhai. लेकिन मेरा भाई इतनी यंग एज में इतना पॉपुलर हो चुका है अपने टैलेंट के माध्यम से, और क्या आपकी जर्नी है, सो इंस्पायरिंग ब्रो. इतने गहने पहनते, बैंक में लॉकर नहीं मिल रहा आपको, क्या क्या प्रॉब्लम? नहीं नहीं भाई, अच्छे लगते हैं आप पे, सूट करते हैं आप. भाई शुक्रिया भाई, मैं बहुत भलती चीजों से गुजर के आया भाई, लाइक बस्ती से, स्ट्रेट फ्रॉम बस्ती, तो पुणे से आया मैं. लाइक छोटा मोटा रैपर है, आप लोग को मालूम रहेगा थोड़ा. छोटा मोटा रैपर, बहुत बड़े रैपर हो गए आप. और ऐसे ही होता है आजकल, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता. मिसाल आपके सामने है ये स्टैनी, जैसे आप हर जगह बोलते हो ना कि ये मेरी करोड़ों की ज्वेलरी है. आज अगर हमारे शो में कोई लेडी आके आपको बोले मैं आपकी फैन हूँ, गले लगना चाहे उसे गले मत लगना, आपकी चेन में निकाल लेंगी. बहुत ही टैलेंटेड लेडी है, चलते बाइक में से हेलमेट निकाल लेती लोगों का. अरे वाह, एक और टैलेंट. एमसी एक बार बताओ, जैसे रैपर लोग ये करते हैं है ना, तो अगर ये नहीं करते हो तो रैप फंस जाता है कहीं इसके पीछे? ये तो मेरे को अजीब जी बातें बोली थी. कहती है एमसी स्टैंड का अगर गाड़ी में कभी वाइपर खराब भी हो जाए ना बारिशों में तो खुद ही कर लेता होगा. बाहर की पब्लिक लाइक फॉरेनर ये सब कर रहे हैं क्या? मैं बोला इंग्लिश में क्या फट 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 कुछ तो राप 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 नहीं क्या भाई? मैं बोला अरे पर ये कूल चीज है लाइक, नहीं क्या ये मतलब, और कुछ तो मेरे को रिलेट हो गया वो वक्त पे. तो मैंने भी पीछा हूँ बेबी, हिंदी मातृभाषा वो वाला सीन है भाई, रूट्स को लेके कल्चर को लेके थोड़ा बाहर लेके जाना चाहता. पर अच्छा किया आपने, म्यूजिक की हर फॉर्म का अपना मजा है. ये जो रैप करते हैं इसने स्टाइलिश कूल दिखते हैं. कवाली में भी मैंने देखा मेहनत बड़ी लगती है कवाली में. एक तो ये है कि बैठ के गाना पड़ता है और अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ उठ के भागने में भी टाइम जाता है. शेरवानियां पहन पहन के, मतलब मैं तो बड़ा फैन हूँ कवाली सिंगिंग का भी. पर बहुत अच्छा लगा एमसी स्टैन, आप हमारे शो पे आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका. और अब बुलाते हैं आज के दूसरे मेहमानों को. अच्छा, जैसे शादी से पहले लड़के के घर वाले 10 चीजें बताते ना कि हमारा बेटा ये भी कर लेता है वो भी कर लेता है, फिर शादी के बाद बीवी को पता चलता है असली में कि ये कर क्या लेता है. जैसे भुवन के जाओ ना इंटरनेट पे, इनके बायो भुवन एमसी स्टैन इकट्ठे हैं, एक्टर, राइटर, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर. तो हम ये बात सच मान लें कि हम आपकी वाइफ के आने का इंतजार करें, कोई आपको बताएगी? सीरियसली कोशिश कर लेता हूँ मैं. म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिससे मैंने करियर शुरू किया था. मैं एक मुगलई रेस्टोरेंट में 2 साल हमारा ट्रियो होता था. अच्छा. और हम एक कोना पकड़ के हम बैठते थे और हम गाते थे गाने. क्या बात है. तब मैं 22 साल का था शायद. तो म्यूजिक खैर वहां से आता है. और अभी नया शो आया मेरा, उसमें थैंक यू मैम, उसमें मुझे थोड़ा सीखने की इच्छा थी कि कैसे काम होता है, कैसे किसी को कन्विंस किया जाए कि प्लीज आप काम करो हमारे शो पे. तो वैसे फिर प्रोडक्शन का चस्का चढ़ा क्योंकि सीखने का गेम है सारा. Actually. और लिरिक्स का तो बहुत पहले से ही शौक है, और एक्टिंग जैसे से होता जाएगा वैसे से सीखता जाएगा. अपने आप भगवान रास्ते बनाता जी, रहता है जी जी. और जितना आप काम करते हो उतना ही निखार आता है. एक कुछ गाना तो हो जाए भुवन, फिर कोई भी जो आपका फेवरेट हो. क्या बात है, यस.
पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छांव की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। आपने सही बोला, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ और मैं किसी से दिल चाह प्यार करती थी एक जमाने में। एक्चुअली मैं हैरी पॉटर से प्यार करती थी और डायरियां लिखती थी। ये लड़कियों को कैसे प्यार हो जाता है ऐसे कैरेक्टर के साथ? हम तो अपनी गली से बाहर सोच ही नहीं रखते लड़के लोग। आपको हैरी पॉटर से प्यार हो जाता है? हम नहीं जानते अपनी औकात से बाहर। देखिए लड़कियों की पकड़ लंबी होती है। तो मैंने अपने म्यूजिक टीचर को बड़ा रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज मुझे गाने दे, मैं गाना चाहती हूँ, सिंगर बनना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ इधर इधर किसी शो में। तो मेरी टीचर ने मुझे बोला कि यार चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा आखिरी साल है, तुम गा ही लो इस बार कॉम्पिटिशन में। अच्छा वाओ। फिर मैंने गाया और तब नया नया वो रिकॉर्डर वो वॉकमैन आता था ना, तो उसमें अपना आवाज रिकॉर्ड करके सुन रही हूँ गा रही हूँ। फिर जब मैंने सुना और फिर जब मैं कंपटीशन में गई तो मैं जाते ही मैंने बोला ये ना मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए गाना चाहती हूँ, मैं इस कंपटीशन का कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती। आज भी दोस्तों के लिए गा दो लाइनें डॉली। मैं वही वाला गाना गा दूँ? वही वाला गाना गा दो। अर्चना जी मुझे टिप्पणी देंगी। हाँ ठीक है, आप मेरी म्यूजिक टीचर है आज। ओके। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, अच्छी आवाज लग रही है भाई। ठीक है दोस्तों के लिए ठीक है। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, एमसी चैनल मूवमेंट बैठा है, गाना तो पढ़ता है भाई। बढ़िया। म्यूजिक टीचर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपके ये गाना गाने के बाद कितने दोस्त रह गए? देखो आप अर्चना जी पंच मानने लग गई हैं। और जो रहे वो आपके बहुत सच्चे बहुत अच्छे दोस्त। अर्चना जी सच बताओ ये ही नहीं दोस्त। बट ये गाना अभी सुनने के बाद मैं आपकी दोस्त और फैन हो गई। अच्छा म्यूजिक का माहौल बना है, जैसे आप सब जानते हैं कि एमसी स्टैन फैमिली में कव्वाली गाते थे। एमसी एक ऐसी चीज कर सकते हैं कि मैं थोड़ी सी कव्वाली शुरू करूं, आप उसमें रैप डालो, कोलैबोरेट करते हैं। चलो ना भाई, डन हक से आइए। जट कमिशन को ऐसे मौका चाहिए गाने का यार, इसका रात को शूट करके सुबह डाल लेते थे यार, तुम सब पहले ही देख लेते, पता नहीं ज्यादा बंदे तक पहुंच पाएगी वीडियो तो शेयर कर देना मे बी, अगर तुम्हें दिखाना अपने दोस्तों के साथ एमसी स्टैन का शेयर करना हो कुछ तो। शबाब पे तेरी कपिल, शबाब पे मैं जो कपिल कब से इतना अच्छा गाने लग गया यार, फक भाई कपिल सर। अरे भाई तेरी गूंगा किसी हसी की तरफ ये गुलाब पेशेंस, मेरी माँ ने बोली रैप मत कर, आज से मैं छोड़ सकता कल पर, कल पर। सैंगो ने गूगल पे सर्च कर, सर्च कर। चेक करा मैंने इंसान क्या सोचता, ये वर्ड किसने बनाया, वो पहला इंसान कौन था, आदम और ईव की तरह मैं भी सोचता, भरोसा नहीं किस चीज का, भरोसा सिर्फ मौत का, जिंदा रहने के लिए मैं रोज वजह ढूंढता, अपने माँ बाप को छोड़ के तू दूसरों का सुनता, मरने के बाद असली दिमाग तेरा खुलता, इंसान है मतलब ही मतलब सिर्फ ढूंढता। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दा नशी है, पर्दा नशी को मैं पर्दा ना कर दूं तो, 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 तो अकबर मेरा नाम नहीं है,
सी कर्मा पे बिलीव करो करो जरा चिल किधर गया क्या मालूम लोगों का दिल हार्टलेस क्यों बन रहे ले मूव ऑन का सीन एक भी हम इस पे मत कर यकीन ट्राई कर मे को अगर लग रहा था तीन किसको ने बोला था करना सेटिंग बोर होती बोली वो करना सेटिंग ये बस रहे भाई मार दिया कपिल भाई के लिए आवाज करो पब्लिक बॉयस अच्छे भाई लवली लवली अपनी बात बोल के खुद ही हंस रही हो क्या कर अरे इन्हीं से सीखा है अपनी बात खुद बोलते हैं फिर खुद ही हंसते हैं और एक मिनट एमसी स्टैन बेटा कैसे हो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ है अरे आपको तो शो जीतने के बाद बहुत पैसे मिले होंगे है ना वो सारा पैसा मुझे दे देना क्योंकि मैं अच्छी जगह इन्वेस्ट करूंगी एक सेकंड तुम्हें क्या पता इन्वेस्टमेंट के बारे में हाँ तेरे भी आते 5,000 इन्वेस्ट किए थे आज तक खा रहे हैं तुम्हारा हो गया कि और भी कुछ बोलना बाकी है अरे नहीं नहीं एक रिक्वेस्ट करवानी है एक मिनट प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट कर दीजिए ना अपने फॉलोअर्स को कि वो मंजू का मॉकटेल चैनल लाइक करें सब्सक्राइब करें और एक एक रुपया यूपीआई करें मम्मी तुम क्या बोल रही हो गेस्ट से हमारे क्या कर रही हो तुम अरे पगली इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है एक एक रुपया देंगे तो हम मिलेनियर ना हो जाएंगे सुनो हाँ मुझे जरूरत है पौधे के अंदर चलो तुम अरे चौपर से चलेंगे रुक जाओ अच्छा ये शर्मा जी सेल्फी स्टिक मुझे दे दीजिए मुझे जरूरत है अरे नहीं नहीं प्रॉपर्टी की है चलो नमस्ते बाय एमसी स्टैन जी है ना इनके साथ एक हल्का सा छोटा सा शादी करवा दीजिए ना छोटा एमसी स्टैन जी है ना इनके साथ एक हल्का सा छोटा सा शादी करवा दीजिए ना उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है वो हमारी बहनों का थोड़ा फायदा हो जाएगा क्या फेरे के टाइम पे जूता चुराई करेंगे और इनका जूता 80,000 का है उतने पैसे में हमारी बहनों का घर आ जाएगा नहीं क्या आपसे स्टैंड जी एक बात पूछना था आप कभी ऐसा बाइक चलाते हैं तो बाइक को जब रोकते हैं तो पहले बाइक का स्टैंड लगाते हैं या पहले खुद का स्टैंड लगाते हैं देखो शर्मा जी आप पहली बार कपिल शर्मा शो में आए हैं खुशी से कितना लाल हो गए हैं कैसे हैं स्टैंड अप करते हैं जी ढिक चिक ढी लड़का मैं बिहार थे झूठा कल तिहार थे एक में अंदर था मेरे साथ एक बंदर था यो यो बस स्टैंड कैसी कजाकिस्तान की चुड़ैल यो यो बस स्टैंड नाम है इनका यो बस स्टैंड बस स्टैंड ये आपका हेयर स्टाइल बहुत प्यारा है प्लीज नेक्स्ट शूट के लिए मैं यही हेयर स्टाइल अप्रिशिएट कर रहे हैं सब बड़ा अच्छे लग रहे हैं आप इतना पूरा कितना इतना रैपिंग पूरा शरीर से कितना लीक कर रहा है देख रहे हैं बहुत अच्छा करते हैं हरा रेड है ना कितना टाइम में सीखा है सब रैपिंग बताइए ना कैसे 5 साल 2 महीना में 5 साल 2 महीना सीखा है रैपिंग नहीं नहीं रैप तो हम 2 महीना में सीख गए हैं ऐसा करना 5 साल लग गया फिर हमने इसमें वेल्डिंग करवाई वेल्डिंग करा लिए अब तो बड़ा प्रॉब्लम होता होगा किसी से 10 रुपया मांगते होंगे 6 ही मिलता होगा लेकिन घर में तो प्रॉब्लम होता होगा कि अपने को लाइट का बटन ऑन करना है साथ में पंखा भी ऑन हो जा रहा है तो होता होगा कैसी बातें कर रही हैं हम ऐसे की जगह ऐसे ऑन ऑफ करते हैं बहुत स्मार्ट लड़का चूज किया आप हमारा चैनल लाइक करना सब्सक्राइब अपने आप को
ओके दैट वाज इट. ओह अमेजिंग वीडियो. एंड एमसी स्टैन और भुवन बाम साथ में भाई कपिल शर्मा शो, मतलब ये तो मतलब गजब ही हो गया कि एमसी स्टैन भुवन बाम दोनों ही ऑलरेडी इतने सही और साथ में कपिल शर्मा, मतलब क्या ही हो सकता है इससे बढ़िया साहब के साथ. ग्रेट वीडियो देखा तो मैंने लाइक थोड़ा सा स्निपेट इस एपिसोड का, तो हमने एपिसोड ही देख लिया. हाँ मतलब जो ऑफिशियल उससे निकाला था ना लाइक कपिल शर्मा ने अपने उसको भी शेयर किया था और जो सेट इंडिया के चैनल से आया था वो भी देखा था. तो मजेदार वीडियो, वी एंजॉयड एंड वी होप आपको भी बहुत मजा आएगा हमारे से वीडियो देखने में. अगर आपको मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करो. एंड यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू ग्राइंड टू शाइन. टेक केयर, बाय बाय.